नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल द खबरदार न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा विधानसभा संयोजक के वार्ड में समस्याओं का लगा अंबार, नगरवासी हो रहे आपसी रंजिश का शिकार। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, काम करने के लिए तैयार है हमारे कर्मचारी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 में समस्याओं का अंबार चरम सीमा पार कर चुका है। यहां कहावत यह है कि वार्ड पार्षद स्वयं पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और पिछले वर्ष चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार ने पार्षद से अध्यक्ष चुनने का नियम पारित किया था। उसी के चलते पूर्व अध्यक्ष ने भी वार्ड 14 से अपनी किस्मत आजमाई और जीत भी हासिल की। लेकिन जब बात आई अध्यक्ष चुनने की, तो बाजी निर्दलीय प्रत्याशी ने मार ली, जो कि वर्तमान में भाजपा पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अब मजे की बात तो ये हो गई कि जो विपक्ष था वही पक्ष बन गया। वार्ड 14 में समस्याओं के अंबार के कारण आपसी मतभेद ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पार्टी हमेशा संगठित होने की बात करती है, तो क्या उसी पार्टी में अंदर ही अंदर कला चल रही है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला है त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 का, जहाँ के रहवासी पानी की निकासी न होने से अत्यंत परेशान है। भारी बारिश में कई घरों में पानी ऐसे भर जाता है कि पानी निकालने के लिए मोटर का सहारा भी लेना पड़ता है। अब ऐसे में कैसे रहे नगर के लोग, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में नगर परिषद की अध्यक्ष कृष्णावती शुक्ल ने एक वर्ष पूरा होने पर नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किया। आपको बता दें, नगर अध्यक्ष उक्त कार्यक्रम के तहत हर वार्ड में भ्रमण कर लोगों से व्यक्तिगत मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही हैं। इसी क्रम में अध्यक्ष ने वार्ड 14 का भी भ्रमण किया, जहां लोगों ने नाली चौक होने से नाली का पानी न निकलने पर पानी बैक होकर घरों में भरा रहता है बताया था। ऐसे में अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर कर्मचारियों को नाली के पानी को निकालने की उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दे डाला। अब यहां मामला फंस गया। अब जब अध्यक्ष ने कर्मचारियों को कहा है कि काम तो करना ही पड़ेगा, कर्मचारियों ने भी ना आओ देखा ना ताओ सीधे जेसीबी लेकर नाली का पानी निकालने पहुंच गए और हुआ वही कि जब तक महोदय के निजी व्यक्तियों तक नाली का काम पहुंचा, तो पार्षद महोदय ने वार्ड प्रभारी को फोन करके काम बंद करने का फरमान दे डाला। अब क्या, अब तो नाली का पानी फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि काम ही रोक दिया गया है। वहीं जब खबरदार ने खबर निकाली, तो लोगों से पता चला कि जहां नाली बनाई जा रही है वो तो सरकारी जमीन है। अब देखना यह है कि आम जनता की समस्या को देखकर अधिकारी गण इस नाली को आगे बढ़ाते हैं, या फिर विधानसभा संयोजक के दबाव से लोगों को मरना सन्न की स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता अभियंत्री आशुतोष तिवारी से बात किया, तो उन्होंने मामले को आपसी मतभेद से दबाते हुए यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दूसरी जगह काम चल रहा है, जल्द ही इस नाली का काम भी किया जाएगा। अब यह तो वक्त ही तय करेगा कि कब तक इस समस्या का समाधान होगा, या फिर जनता इस राजनीति का शिकार बनकर रह जाएगी। देखिए जनता ने क्या कहा। मैं अभी त्योंथर नगर पंचायत के इंजीनियर साहब आशुतोष तिवारी जी के साथ हूँ, और वार्ड क्रमांक 14 में जो नाली की समस्या लोगों के द्वारा बताई गई, उस पर मैं इंजीनियर साहब से विचार चाहूंगा तो किस तरीके से इस काम को देखते हैं और कितना जल्दी इस काम को करवाते हैं। सर, अभी वार्ड क्रमांक 14 में मैं गया था, वहाँ पे नाली की समस्या बहुत थी कि नाली का पानी नहीं निकल रहा, लोगों का घर में भरा रहता है, तो उस समस्या को आप कैसे निराकरण करेंगे? हमारी नगर परिषद की माननीय अध्यक्ष जी कुछ दिनों पूर्व वार्ड भ्रमण में निकली हुई थी, जिसमें वो सर्वप्रथम चिल्ला के वार्ड क्रमांक 15-14 का भ्रमण हुआ था। उसमें उनके द्वारा विभिन्न तरीके के निर्देश दिए गए थे, जिनमें प्रमुख रूप से यह था कि नाली सफाई में जहाँ जहाँ पे पानी रुक रहा हो वहाँ पे पानी नाली की सफाई कराने का निर्देश दिया गया था। उसमें हम नाली सफाई करा रहे हैं लगातार, 3 दिनों से जैसे वहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित करके नाली की आगे मतलब पानी की निकासी बनाई जा रही है। सर, अभी मैं लोगों के द्वारा ये बताया गया कि सफाई का काम तो चल रहा है, लेकिन जो सफाई का काम चल रहा है उसमें कुछ दूर तक ही नाली की सफाई की गई, इसके कारण आगे के घरों में पानी भर गया है, तो वो काम आगे कब तक बढ़ेगा? आज हम दूसरी जगह पे जहाँ पे पानी रुका हुआ था, लोगों को निकलने में समस्या आ रही है, उधर नाली की सफाई करा रहे हैं। इधर जहाँ छूट गया है उधर भी हम लोग तुरंत ही नाली की सफाई कराएंगे। आपने देखा कि अभी हमारे साथ इंजीनियर साहब ने बताया कि हम जल्दी इस समस्या का निराकरण करेंगे। अब लोग ही बता पाएंगे कि आगे की समस्या कब तक निराकरण हो सकता है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जो पूछा था उनके बाप से, नाला ये पानी नाली के भरा रहा है, बरसात के पानी भरा रहा है। कुछ लोग बताएं कि अपना के बरसात के पानी के कारण ये जो नाली जाम रहा थी, इसके कारण अपना घर गिर गया। का है सच्चाई ही?
देखी ना घरे जो ये पानी आवा रहा है पानी से गिर गया पानी से गिर गया तो ये नाली काहे नहीं चालू हो रहा नाली अब ये भरी रही है ये के ऊपर पानी रहा है ये पानी कब ने कैसे निकला था पानी ही कही पक्षी कही जो कैसे नाली अभी बनन लागी हाँ। नाली में रोक लगा दी तो ये नाली बनाई चाहिए कि ना बनाई चाहिए बनाई चाहिए हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगा दादा ये नाली के पानी जो निकासी है क्या ये पानी निकासी खातिर नाली बनाई जा नाली बनना चाहिए नहीं तो गरीबों को घर गिर गया तो कौन तरीके से लड़का बच्चा अभी खाने को उनका ठिकाना नहीं दुई बोरी गेहूँ रखे भाई सत्यानाश लग गया बेचारे अभी यहाँ नाली खुदाई नगर पंचायत द्वारा कराई जा रही थी तो कुछ लोगों ने रोक लगा दी कि नाली नहीं बननी चाहिए उसमें क्या सच्चाई है गंदगी है भड़वाई करके जिसमें रागो धान बोए हूँ धान बो धान तो पानी जाए अच्छी चीज है सरकारी गैला सरकारी गैला अच्छी कड़ी गैला है हाँ लेकिन इसका कोई लिहाजा नहीं कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते नाली बनना चाहिए नाली बनना चाहिए नाली बनना चाहिए आपकी मांग शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे हम बोलो ये नाली बनना चाहिए सबको गुजारा होना चाहिए बेचारे का आज अभी इनके अवस्थिया बनाने दे रहे घर द्वार इतने जगह न जमीन है गरीबों का ठीक है सर अपना के नाली में पानी भरा रहा था लोगों के बताएंगे बहुत समस्या ही बहुत समस्या भैया पूरे हिया के कोने तक पानी भरा था नाली रात भर हम उल्टी से भर गया था लेडी के टैंक फुल हो गया अब बताइए हम कहाँ करें विधवा औरत हमारे के आगे पास लड़का परदेश में बात करना अपना वार्ड पार्षद अपना के वार्ड पार्षद हम तो उनसे नहीं कहें समस्या खातिर अरे दो चार बार से कहा समस्या का निदान नहीं हो पा कोई निदान अबे कुछ लोग बताएं कि नाली बनल लागी हम नाली में रुकवा देंगे तो हम का कहा अपना नाली बनाई चाहिए नहीं बनाई चाहिए नाली यही कैसे पानी हमेशा जा रहा है बनाई चाहिए भैया नाली नाली ना बनी घर बूढ़ जाएगी अपना घर गिर गिर जाएगा अपना सरकार से कहा चाहिए हम यह चाहते नाली बनाए नाली बनाई चाहिए हाँ बनाई चाहिए खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।